हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। ICT चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम मोदी की आज की स्पीच की। आज फ्राइडे 3 अप्रैल 2020 की जो पीएम मोदी ने स्पीच दिया उस बारे में। लेकिन उससे पहले आप ICT चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज फ्राइडे 3 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज के द्वारा देश को संबोधित किया और देश की जनता से यह अपील की कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट रहें। उनकी स्पीच की क्या क्या की पॉइंट्स थे, क्या क्या हाईलाइट थे, इस बारे में हम बात करेंगे। इस स्पीच के माध्यम से पीएम मोदी ने देश की जनता से यह अपील की या निवेदन किया कि वो अपने घर की बालकनी या अपने घर के दरवाजे या डोरवे पर खड़े होकर 5 अप्रैल 2020 को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए या तो कैंडल जलाएं आप, या दिया जलाएं, या टॉर्च जलाएं, या फिर अपनी मोबाइल टॉर्च जलाएं। ठीक है, यह करने का उद्देश्य यह है कि जो अंधकार फैल गया है कोरोना वायरस की वजह से, उसको इस प्रकाश के माध्यम से हराया जा सके। यदि हर कोई ऐसे करता है, जैसे कि अपनी बालकनी पर खड़े होकर या अपने डोरवे पर खड़े होकर एक दिया जलाता है, तो इससे हमें जो प्रकाश की शक्ति है उसका एहसास होगा और साथ ही जो हमारा एक उद्देश्य है, उद्देश्य क्या, हमारा कोरोना वायरस से लड़ना, ठीक है, उस उद्देश्य को हम हाईलाइट कर पाएंगे जिसके लिए हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से यह रिक्वेस्ट भी की कि इस इवेंट के दौरान कोई भी इकट्ठा ना हो, चाहे वो रोड हो चाहे वो पार्क हो, आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। और इस ये जो टास्क है ये आपको कंप्लीट करना है अपनी घर की बालकनी से ही और अपने घर के डोर स्टेप से ही, ठीक है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों को ये भी बताया है कि आज कंट्री वाइड जो लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया था उसको 9 डेज जो है वो पूरे हो गए हैं, ठीक है। इन 9 दिनों के दौरान आप लोगों ने जो डिसिप्लिन दिखाया है अपने घर में रुक कर, और जो अलग अलग सर्विसेज दिए हैं, जैसे कि गरीबों को आपने खाना बांटा है या किसी को कोई हेल्प करनी है वो आपने की है, उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अभूतपूर्व बताया है। इसके साथ ही लक्ष्मण रेखा जो बनाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको आपको लांघना नहीं है, क्योंकि यह जो लक्ष्मण रेखा है यह एक रामबाण है कोरोना चेन को तोड़ने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि 12 मार्च 2020 से पूरा देश जो है पूरी तरह से लॉकडाउन है, और इसी लॉकडाउन की वजह से भारत के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस की जो दर है, जो रेट है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी बाकी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ रही हैं, जिसकी कारण इसकी चर्चा पूरे संसार भर में है और संसार के बाकी जो देश हैं वो लोग भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपने देश में अपना रहे हैं कोरोना वायरस केसेस को कम करने के लिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग 130 करोड़ लोग हैं, तो इस बीमारी के खिलाफ हमें मिलकर ही लड़ना है। और कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो अंधकार या डार्कनेस छा गया है, उसे पीछे छोड़कर हमें उजाले की तरफ आगे बढ़ते जाना है, और यह काम हमें आपस में मिलकर ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।